राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आए तिब्बती महिला संगठन चुके परम पावन 11वें पंचेन लामा जी की परिवर्तित गुमशुदगी को लेकर, जिसमें भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विकास संख्या भी मौजूद थी, वो अपने पूरी टीम के साथ इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर देश भर से आई तिब्बती महिला संगठन ने 28 वर्ष बीत चुके परम पावन 11वें पंचेन लामा जी की परिवर्तित गुमशुदी को लेकर प्रचंड प्रदर्शन किया, जिसमें भारत तिब्बत समन्वय संघ की राष्ट्रीय महामंत्री महिला विभाग संध्या सिंह व उनकी पूरी टीम भी इस प्रदर्शन में शामिल हुई और चीन गो बैक के नारे लगाए गए। वहीं आपको बताते चले कि 1995 से लेकर अब तक तिब्बती महिला संगठन इस घटनाक्रम को निरंतर निभा रही है, जिसमें श्री पंचेन लामा जी को जबरन बंदी बना के रखा गया है, ऐसा दावा किया जा रहा है। वहीं आपको बताते चले कि तिब्बती महिला संगठन कमेटी 28 वर्षों से इस लड़ाई को लड़ रही है। 28 सालों में कई सरकार आई और गई, लेकिन किसी सरकार ने इनको तलाशने का काम नहीं किया। अब इनको देश के प्रधानमंत्री पर पूरा भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री हमारी मांग को जरूर पूरा करेगी। और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं इस रिपोर्ट में। करके रखा हुआ है और पूरे परिवार से ही, तो जब हमारे देश में कोई भी एक बड़ा गुरु या कोई भी गायब होता है तो हम उसके लिए हलचल मचा देते हैं मीडिया में इधर उधर, और आखिरकार वो मिल जाते हैं। तो ऐसा क्या है कि जो तिब्बती के गुरु हैं पंचेन लामा, वो क्यों नहीं मिल पा रहे इतने सालों से? 28 साल हो चुके हैं, 28 साल से वो कहाँ पर है आज वो? NBC न्यूज के लिए दिल्ली से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट।